जनता को नहीं मिल रही चिकित्सा सुविधाएं व प्राइवेट अस्पताल कर रहे इलाज के नाम पर लूटपाट, इसी को लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम साकेत चौराहे पे किया, जिसका मकसद था कि सीएमओ द्वारा जो कार्रवाई ना करना, निजी अस्पतालों पर नकेल ना कसना और सरकारी अस्पताल में दवाइयों का गोल मारना। बताओ सब लोग यहाँ पे बैठे, कोरोना की त्रासदी हम सब लोगों ने देखी नहीं देखी? आजे, आजे। अगर 800 आदमी इकट्ठे कहीं पर बीमार पड़ जाए या कोई दिक्कत या दुविधा परेशानी अचानक से आ जाए तो सीएमओ साहब 100 आदमियों का इकट्ठा इलाज नहीं कर सकते। मेडिकल कॉलेज की प्रयागराज की व्यवस्था है, पहले भी हुआ और हमने इसलिए किया है यहाँ पे कि आपकी जो टीमें सजग हो, आप प्रहरी हैं 50,00,000 लोगों के इस जिले के, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी सरकारी अस्पतालों की नहीं है। ये जो लूट और डंकामारी चल रही है अस्पतालों में एक जांच के नाम पर, ये महामारी का रूप डेंगू ले चुका है। टाइफाइड बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है और ये आंदोलन, ये जो प्रोटेस्ट है इसको कैसे आगे लेकर जाया जाए, हम लोग आज यहाँ पर चेताने सरकार को आए हैं, डेरा डालकर बैठे हैं और हमारी मंशा यही है कि जो मनमानी प्राइवेट हॉस्पिटलों की चल रही है, इसके साथ साथ जो आप सरकारी संस्थाओं में देखेंगे वो सरकारी संस्थाएं जो लोगों को स्वास्थ्य दे सकती थी, बेहतर कर सकती थी, इन लोगों ने इसको आगे का नहीं लेके जाने का काम किया और हम लोग इसके खिलाफ आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोशिश ये है कि इस धरने को जब यहाँ के प्रशासनिक लोग आएंगे, उनसे बैठ के बात करेंगे, वार्ता करेंगे, तब इसको आगे लेके जाएंगे। आपको आयुष्मान कार्ड से, अभी आयुष्मान कार्ड के लोग यहीं पर थे, जिन आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हो उस आयुष्मान कार्ड से अगर लाभ किसी को नहीं मिलेगा तो आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या है? आयुष्मान कार्ड आप कितने भी बना लीजिए, अगर लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, लोगों को मदद नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, चाहे आयुष्मान कार्ड के नाम पर धांधली चल रही हो, चाहे सरकारी अस्पतालों में CSC हो, PSC हो, जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, वो रेफर सेंटर हमारे मेरठ का मेडिकल कॉलेज है, लोग मरीज जाते हैं परेशान होकर उल्टे चले जाते हैं, उन सबको लेकर आज हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सारे तरीके का आयुष्मान कार्ड में भ्रष्टाचार है, लोगों के कार्ड लगा दिए जाते हैं, पैसे यहाँ खुद जांचें चल रही हैं कितने अस्पतालों की, यहाँ पर ऑपरेशन कोई करता है डॉक्टर का नाम किसी और का होता है, किसी अस्पताल में प्राइवेट में पहुंचिए वहाँ पर आपको मिलेगा कि क्या नाम, वहाँ पर जो स्टाफ होगा वो पूरा ही नहीं होगा, डॉक्टर्स पूरे नहीं होंगे और सुविधाएँ पूरी नहीं होंगी तो कैसे ये चीज़ चलेगी। हम लोग निश्चित रूप से इनके खिलाफ जनता के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अब ये चल रहा है, प्रशासनिक लोग आएंगे, अपनी बात करेंगे, वार्ता करेंगे, उसके बाद आगे। ठीक, धन्यवाद।